कौन हो तुम? चलो, तुमने मुझे पहचान तो लिया, लेकिन तुम्हें पहचानने में गलती मैंने की है। राम, तो यह है वो नाइट स्कूल जिसमें गैरतदार बाप की बेगैरत बेटी अपनी नंगी जवानी का सबक पढ़ाती है। राम, क्या मैं पूछ सकता हूं राधा देवी कि मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? वैसे हमारे मोहल्ले में कोठे वाली भी हैं और सड़क पर खड़े होने वाली भी। तुम शराफत का नाटक किए बगैर अपना धंधा चला सकती थी। अगर साड़ी ही उतारनी थी तो उस दिन उतारी होती जिस दिन बाप की अर्थी को कफन की जरूरत थी, और उस दिन तुम्हें अपने बाप के कफन के लिए अपनी बालियां नहीं बेचनी पड़ती और तुम्हारे पास बेशुमार दौलत होती। चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ। कम से कम तुम वो गाली मत दो जो हर रात मेरी अपनी आत्मा मुझे देती है। पहले पूछ तो लो, जिस शरीर को दिए की लौ ने नहीं देखा वो इस तेज रोशनी में किस अंधेरे से गुजर कर आई है? भूख का अंधेरा देखा है तुमने? उस अंधेरे ने मेरे पापूजी को निकल लिया और मेरे मासूम भाई की आंखों से सारे सपने छीनकर आंसू भर दिए और मुझे उस बाजार में खड़ा कर दिया जहां हर आदमी शादी की दुकान सजाए बैठा होता है। मैं बिकने के लिए तैयार थी, लेकिन उससे भी मुन्ना को रोटी नहीं मिलती। फिर मैं क्या करती? जिसे भी काम मांगती थी वो पहले मेरे कपड़े उतारना चाहता था, और जब कपड़े उतारने थे तो नहीं। रहता आज के बाद तुम्हें इन जिल्लतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। राम, ये तुम क्या कह रहे हो? जब इतना बुरा कहा है तो उसका प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। मेरी बालिया राम। हाँ राधा, इन्हें पहन लो और भूल जाओ कि तुम यहां कभी आई थी।